अरे साहब साहब, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाँ, तुझे क्या लगता है मैं तेरे यहाँ से सामान खरीदूंगा क्या? दो कौड़ी के इंसान, तुझे पता है मैं सामान कहाँ से खरीदता हूँ? ऑनलाइन ब्रांडेड चीजें मंगवाता हूँ। अगर मैंने तेरे यहाँ से सामान खरीदा तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? हाँ, आज के बाद मुझे रोकने की या मुझे सामान बेचने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा ना? साहब साहब, पानी क्या हुआ? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या बताऊं यार हरप्रीत, मेरा पर्स मुझे मिल नहीं रहा यार। पता नहीं कहीं गिर गया या चोरी हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसमें मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे और कैश भी था यार। समझ नहीं आ रहा यार क्या करूं। मैं ऑफिस भी गया था, वहां पे भी देख के आया, बट यार मिल नहीं रहा यार। नुकसान हो गया यार, डॉक्यूमेंट और पैसे दोनों चले गए। बस इतनी सी प्रॉब्लम? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, चुटकी में दूर कर सकती हूँ। कैसे? ये है तुम्हारा पर्स। अरे ये तुम्हारे पास कैसे आया? अरे वो फ्रूट वाला जो शायद अपने सोसाइटी के बाहर बैठता है वो देखे गया। वो बाहर बैठता है फ्रूट वाला? यार हरप्रीत मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे कहाँ जा रहे? अरे साहब आप यहाँ पे, हमने तो आपका पर्स आपके घर ही पहुँचा दिया था। अरे हाँ, उसके लिए थैंक यू। और सुबह तुम मुझे रोक रहे थे तो मुझे नहीं पता था तुम मुझे मेरे पर्स लौटाने के लिए रोक रहे हो। मुझे लगा तुम ये अपने फ्रूट्स वगैरह बेचने के लिए मुझे रोक रहे हो। अरे साहब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हम गरीब है ना, हम जैसे गरीब को तो कोई भी धमका के चला जाता है, हमें तो इसकी आदत सी हो गई है। नहीं, हम लोग गलत करते हैं। जब हम लोग किसी अमीर से बात करते हैं तब तो हम उसके साथ में अच्छे से बात करते हैं, और जब हम तुमसे बात करते हैं तो इस तरह से बदतमीजी करते हैं। एक्चुअली ना हमारी सोच ही ख़राब है, जो हम लोगों को उनकी हैसियत के हिसाब से जज करते हैं। हमें सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। असल में यही तो इंसानियत है ना साहब? हाँ, असल में यही इंसानियत है। और आज ही मुझे ये बात समझ में आ गई है, मैंने तुम्हारे साथ सुबह इतनी बदतमीजी करी, उसके बाद भी तुम मुझे मेरे डॉक्यूमेंट लौटाने मेरे घर आए, थैंक यू उसके लिए। साहब वो आपका पर्स गिर गया था ना, तो मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें कुछ पैसे थे, कुछ आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, इसलिए मैं आपके घर देने के लिए आ गया। थैंक यू मेरे भाई उसके लिए। और हाँ ये रखो, इसमें कुछ कपड़े हैं तुम्हारे लिए। नहीं नहीं साहब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं दिल से दे रहा हूँ, रखो इसे। और हाँ मुझे दो दर्जन केले दे दो। ठीक है साहब, दो मिनट रखो, दे रहा हूँ। ये लीजिए साहब। थैंक यू मेरे भाई। ये रखो 4,000 रुपये, मेरी तरफ से गिफ्ट है, रख ले। और हाँ आगे से मैं अब तुम्हारे यहाँ से ही फ्रूट्स खरीदूंगा। थैंक यू मेरे भाई। ठीक है सर।